आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो और YouTube पर जाकर किसी वीडियो को शेयर करके इस ऐप पर क्लिक करते हो, तो आप देख सकते हो कि आप इस तरह के पॉपअप वीडियो को चला सकते हो YouTube। अगर किसी को इंग्लिश पढ़ने में या कोई भी लैंग्वेज को पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत होती है या पढ़ने में या मतलब उस लैंग्वेज को नहीं जानते हो, तो बस आपको क्या करना है, आपको गूगल लेंस को ओपन करना है और उसके बाद उससे फ़ोटो क्लिक करनी है जिस जो आपको लेटर नहीं पढ़ने आ रहा है या जो भी पैराग्राफ आपको नहीं पढ़ने आ रहा है, और उसके बाद आपको टेक्स्ट पर जाना है। टेक्स्ट के बाद उस 3 डॉट पर जाना है और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये बटन है, ये लैंग्वेज वाला है, इस पर आप जाकर और यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है हिंदी और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना। और ये आपको सारे जो लिखा हुआ है उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, या आप जो वहाँ पर कोई और भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप कोई भी लैंग्वेज को पढ़ सकते हो। अगर आप यूट्यूब के वीडियो को बैकग्राउंड में चलाना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाओ और उसके कोई भी वीडियो को सेलेक्ट करो, उसको शेयर करो और उस कॉपी लिंक पे क्लिक करो और क्रोम खोलो और क्रोम पर ऐप पर क्रोम में जाकर पेस्ट कर दो और उस वीडियो को फिर बीच वाला बटन दबाकर बंद करो और ऊपर स्क्रॉल करो और क्लिक करो पॉज वाला बटन पे और आप अपने कोई भी म्यूजिक या वीडियोज को बैकग्राउंड में सुन सकते हो आसानी से। अगर आप क्रोम को यूज़ करते हो तो आपको एक टैब में से दूसरे टैब में जाने के लिए आपको इस तरह से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आप ऊपर से स्लाइड करके वेबसाइट को आप दूसरे टैब में जा सकते हो। अगर आप क्रोम को फास्ट चलाना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने क्रोम को खोलो और इस 3 डॉट पे क्लिक करो और यहाँ जाकर आप लाइट मोड पे क्लिक करो और इसको ऑन कर दो। इससे आपका 60% डाटा आपका सेव हो जाएगा और यह आपको वेबसाइट को, कोई भी वेबसाइट को या कोई भी वेब पेज को बहुत ही फास्ट लोड कर देगा और इससे आपका डेटा भी बचेगा और आपका क्रोम फास्ट चलेगा। अगर आपको वॉलपेपर चाहिए वो भी 4K, जो नए नए मोबाइल्स या नए नए फ़ोन्स में ही आते हैं, जो बहुत ही कस्टमाइज़ किए जाते हैं एंड्रॉयड उस फ़ोन को बहुत ही प्रीमियम बनाने के लिए, बहुत ही अच्छे बनाने के लिए, तो अगर आपको उसको डाउनलोड करना है तो बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और उसके बाद फ्रेश वॉल्स करके एक एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करना है और वो वहाँ पर आपको सारे फ़ोन्स कि जो नए नए वॉलपेपर्स आते हैं वो आपको मिल जाएंगे और वहाँ पे आपको एप्पल का, सैमसंग का जो नए नए फ़ोन रिलीज होते हैं उनके जो वॉलपेपर होते हैं वो बहुत ही कमाल के होते हैं, तो आप वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आपको वहाँ पे बहुत सारे और भी वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, एमोलेड, सुपर एमोलेड, आपको बहुत सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर नए नए वॉलपेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एक ही टाइम में दो एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हो तो बस यहाँ पे 3 ये वाला बटन क्लिक करो और उसके बाद स्क्रीन स्प्लिट स्क्रीन या उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करना है और उसके बाद बूम आप अपने ऐप को डबल बार यूज़ कर सकते हो, मतलब दो ऐप्स को यूज़ कर सकते हो एक ही टाइम में, तो आसानी से यूज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड रियली थैंक यू।